हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बीसीओसी 136 के बारे में, जो कि है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो जो आज का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि आज पहला वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बीसीओसी 136 का, जिसमें मैं बात करूंगा कि इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स की हिस्ट्री क्या है हमारे इंडिया में। इस बारे में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। इसके बाद मैं एक एक करके सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा वन बाय वन। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप भी देखिए और उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल पाए कि बीकॉम की जो है स्टडी नए सिलेबस की जो है हमारे चैनल पे हो रही है। साथ ही साथ अगर आप एमकॉम की स्टडी कर रहे हैं तो वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको एमकॉम के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, जो अगर आप इग्नू से स्टडी कर रहे हैं तो, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है ना? तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं बीसीओसी 136। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन दबा दो। और बेल आइकन दबाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा, जैसे ही अगर आप जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सर ने वीडियो अपलोड करा है, ठीक है? तो उसके लिए बेल आइकन दबाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, विच इज अबाउट द इनकम टैक्स एंड द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि आपको यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में ही पता चलेगा कि इनकम टैक्स कब स्टार्ट हुआ था, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बीसीओसी 136 इनकम टैक्स इंडिया, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस निकला हुआ है। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखो आपको टोटल, मैं आपको दिखाई देता हूँ। पार्ट ए में आपके टोटल 7, 8, 11 आपके टोटल पेपर्स हैं, आई मीन लेसन्स हैं। उसमें हम सबसे पहला आज जो करने वाले हैं ब्लॉक वन का, आज हम करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वन जो है पेज नंबर 5, वहां पे हम जाएंगे और यूनिट वन का जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है। नीचे की तरफ चलेंगे, देखो ब्लॉक वन स्टार्ट हो गया, फंडामेंटल्स ब्लॉक वन स्टार्ट हो गया। ब्लॉक वन में टोटल हमारे चार सब्जेक्ट्स, चार लेसन्स है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट 2, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, एग्जेम्प्टेड इनकम्स यूनिट 4 में हम करेंगे। तो पहला हम यूनिट वन स्टार्ट करते हैं, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स 1, राइट? इसको स्टार्ट करते हैं और जो इसमें सबसे पहले हम करने वाले हैं वो ये है ब्रॉड मैकेनिज्म ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, मतलब इनकम टैक्स क्या होता है और इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 वाज अ मेजर फाइनेंशियल बर्डन टू द इंग्लिश गवर्नमेंट व्हिच ब्रॉट इट इनटू ग्रेट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। तो जब पहला वर्ल्ड वॉर, आई मीन जब पहला इंडिपेंडेंस वॉर हमारा लड़ा गया 1857 में, है ना, ये कोई सिपाही म्यूटिनी नहीं था, ये एक इंडिपेंडेंस वॉर था। इसको आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंस ऐसा नहीं है कि हमने लाइक 1946 1947 में ही हमें आजादी मिली, उसके पहले भी हम लोगों ने कोशिश करी थी। उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अब कहा जाता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। अगर उस टाइम पे कुछ हम लोग कर लेते तो मे बी हम उसी टाइम पे आजाद हो सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाए। बट कोई बात नहीं, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो भी हम लोगों ने एक तरीके से क्षति पहुंचाई थी इंग्लिश गवर्नमेंट को, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज उनको झेलनी पड़ रही थी। तो वहां पे उस टाइम पे क्या हुआ, जो सर जेम्स विल्सन थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स इम्पोज किया और इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। देखो लिखा हुआ है इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड इम्पोज इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 बाई सर जेम्स विल्सन, है ना? तो ये नाम आपको याद रखना है कि इनकम टैक्स इंडिया में सबसे पहली बार 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया और इम्पोज किया गया बाय सर जेम्स विल्सन। देखो इसको सर बोलने का मुझे मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये लोग कोई सर लॉर्ड वर्ड वगैरह कुछ नहीं होते हैं, है ना? ये जो इंग्लिश होते हैं ना सारे के सारे हमें लूट करके गए हैं, तो इनको सर बोलने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बुक्स में लिखा हुआ इट्स ओके, बट यू डोंट हैव टू राइट इन योर पेपर, है ना? जरूरत नहीं है, जेम्स विल्सन लिख देना काफी है। फॉर द फंडामेंटल रीजन ऑफ फाइनेंशियल नेसेसिटीज, तो उस टाइम पे उनको बहुत ज्यादा पैसों की दिक्कत हो रही थी, उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे। उन्होंने क्या किया, एक तो हमें लूट ही रहे थे, प्लस उसके साथ उन लोगों ने क्या किया, हमारे ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया। हमारी जो भी इनकम होती थी उससे उनको लोग जो है टैक्स लेते थे, है ना? हाउएवर टू मेक इट अ परमानेंट एंड मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनएक्टेड द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1886। तो 1886 में फाइनली जा करके इन लोगों ने एक कानून ही बना दिया इनकम टैक्स के नाम पे, और फिर जो है हमें एक तरीके से इनकम टैक्स हमें जो है देना स्टार्ट हो कर दिया हम लोगों ने। तो इनकम टैक्स पहली बार 1860 में इम्पोज किया गया और 1896 में इसके ऊपर एक 1886 में एक कानून ही बन गया जिसके अकॉर्डिंग हमें जो है टैक्स देना होता था। The financial crunch resulting from the First World War brought to the focus of inadequacies of the said act. After expensive investigation of the act of 1992 was enacted and was effective for about 4 decades. अब देखो क्या होता है, जब 1886 में जब इनकम टैक्स एक्ट लागू होता है तो उसके बाद आपको पता है कि 1912 में वर्ल्ड वॉर हुआ, है ना?
1912 में जब वर्ल्ड वॉर होता है 1911 में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है गवर्नमेंट को। उनके पास जो है जितने भी सारे पैसे होते हैं वो सारे खर्च हो जाते हैं अलग अलग चीजों में। तो उसके कारण से बाद में जाकर के एक कमेटी बैठाएगी, कमेटी ने बहुत ही एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन किया, इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन मतलब बहुत ही धड़ल्ले से बहुत ही एकदम अंदर घुस करके इन्वेस्टिगेशन किया गया। तब जाकर के एक नया इनकम टैक्स बनाया गया 1922, जो कि तकरीबन 40 सालों तक चलता रहा, मतलब हमारी आजादी के पहले तक वो चलता रहा, है ना। तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अभी तक की हिस्ट्री में बताने वाला हूँ, मैं आजादी के पहले की बात कर रहा था, अब आजादी के बाद की बात करते हैं कि क्या हुआ। सो द इंटरवेनिंग ईयर सॉ इंडिया गेन इंडिपेंडेंस एंड द न्यू इंडियन गवर्नमेंट फेल्ट दैट द इनकम टैक्स एक्ट नीडेड अ थॉरो ओवरहॉल, है ना। तो जब इंडिया आजाद हुआ तो हमारी जो गवर्नमेंट थी उनको ये एहसास हुआ कि जो इनकम टैक्स है वो बहुत ही पुराना है और एक तरीके से अभी के सिचुएशन के हिसाब से वो फिट नहीं बैठता। तो उन लोगों ने एक नया इनकम टैक्स एक्ट बनाने के बारे में सोचा और द लॉ कमीशन सबमिटेड अ ड्राफ्ट बिल इन 1952 58, और 1958 ईस्वी में पहली बार एक ड्राफ्ट पेश किया गया इनकम टैक्स का, जिसे कमिटी अपॉइंटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ महावीर त्यागी 1958 आल्सो नोन एज द डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी, है ना। तो वो जो कमिटी बनाएगी उसका नाम देखो क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी, उसके चेयरपर्सन थे महावीर त्यागी जी। 1958 में उन लोगों ने एक बिल जो है ड्राफ्ट किया और जो है कमीशन को सबमिट किया, टू लुक इनटू द डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर एंड सबमिटेड अ ड्राफ्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया। फाइनली द ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1922 was completely recast in 1961 and a new income tax act came into force with effect from 1st of April 1962. तो 1922 से जो चल रहा था वो तकरीबन 40 सालों तक चला, और 40 सालों तक चलने के बाद जो है 1958 में जाकर के महावीर त्यागी जो कि चेयरपर्सन थे डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी के, उन्होंने एक ड्राफ्ट पेश किया और उस ड्राफ्ट के मद्देनजर रखते हुए उस ड्राफ्ट को एक तरीके से बेस मान करके जो है इंडियन गवर्नमेंट ने 1961 में इस एक्ट को वापस से इनेक्ट किया और 1961 के नाम से इनेक्ट किया, और फिर बाद में जाकर के एक नया इनकम टैक्स एक्ट जो है 1/4/1962 से हमारे इंडिया में लागू हो गया, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज डन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, वो पूरा का पूरा काम जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो कि हमारे इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन है, वो इन सारे कामों को देखती है, है ना। देखो डायरेक्ट टैक्सेस का एक अलग बॉडी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस का अलग बॉडी है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ गया, जीएसटी आ गया, अभी के टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले तो तकरीबन 17-18 टैक्स हुआ करते थे, आपको शायद नाम भी नहीं पता होगा। मैं आपको एक बार एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ कि पहले जो है वैट हुआ करता था, सीएसटी हुआ करता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ करता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो कि अभी भी चलता है, ये सारी चीजें, सर्विस टैक्स हुआ करता था, मतलब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टैक्स था। लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उन लोगों ने स्टेप लिया जहां पे जीएसटी को लागू किया गया, लेकिन ये जीएसटी भी एक तरीके से उसी का एक तरीके से रूप है, क्योंकि जीएसटी तो है, नाम तो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की बात की जा रही थी, लेकिन इसमें इतने सारे स्लैब्स बना दिए गए हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा स्लैब कहाँ पे काम कर रहा है, और 0 से लेकर के 28% तक का टैक्स लगता है इन सारे चीजों के ऊपर। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उसकी एक अलग बॉडी, और जो इनकम टैक्स होता है उसकी एक अलग बॉडी है, जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, विच वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो सीबीडीटी होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करती है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। द सीबीडीटी इज चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ फ्रेमिंग रूल्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो जो सीबीडीटी होती है वो कानून बनाती है कि किस तरीके से इनकम टैक्स एक्ट को इंडिया में लागू किया जाए, उसको एक तरीके से इम्पोज किया जाए हमारे ऊपर, ताकि जो कलेक्शन है गवर्नमेंट की वो ठीक तरीके से हो सके, ताकि उन कलेक्शन का इस्तेमाल जो है वापस से इंडिया को ही एक बेहतर इंडिया बनाने में किया जा सके। These rules, known as the Income Tax Rules 1962, contains various form of miscellaneous detail. The government has set up a separate Income Tax Department for this purpose. Government ने एक अलग से Income Tax Department भी बना रखा है इसी काम को अच्छे तरीके से करने के लिए। Income Tax is very important source of income to the central government, सभी को पता है। The process of framing rules is a very elaborated one. It involves notifying the rule of first public deliberation and then for adoption, है ना? Public deliberation के बारे में सबसे पहले देखा जाता है, फिर जाकर उसको adopt किया जाता है कि इसको करना है कि नहीं करना है। They are also placed on the tables of the House of Information. तो जो भी दोनों houses है हमारी, लोकसभा वहाँ, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे भी इन सारे bills को एक तरीके से दिखाया जाता है, वहाँ से फिर कानून में बदलाव किए जाते हैं और उस कानून में जो rules बनते हैं वो उसमें add किए जाते हैं। So बहुत ही एक elaborative एक work होता है।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं आखिरी जो पैराग्राफ है उसके बारे में। द सीबीडीटी ऑल्सो इशूज फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरियस सर्कुलेशन फॉर द डायरेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, फॉर द डायरेक्शन ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ टैक्स पेयर्स, है ना। और जो सीबीडीटी है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे जो है डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर्स भी निकालती रहती है कि किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काम करना है, टैक्स पेयर्स को क्या करना है, कितने परसेंट टैक्स देने हैं, किसी भी तरह का कुछ इंपॉर्टेंट अगर चेंजेस करना होगा तो सीबीडीटी सर्कुलर निकाल करके कर देती है। Although income tax is levied and collected by the central government, yet a certain portion of the distributed among the states for their projects. देखो, ये जो income tax है, ये completely central government अपने पास रखती है। Income tax का सारा पैसा government के पास जाता है, लेकिन government जो है sometimes, maximum times actually बहुत सारे states को इन पैसों में से कुछ पैसा निकाल करके देती है ताकि वो अपने वहाँ पे जो भी projects उनके चल रहे हैं उनको वो ठीक तरीके से चला सकें या फिर नया कोई project start कर सके। देखो, जो income tax के पैसे होते हैं उनका इस्तेमाल कैसे होता है, उनका इस्तेमाल जो है हमारे इंडिया में जो भी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो सारे पैसे उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इक्वली तो नहीं बोलूंगा लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ताकि उन सारे सेक्टर्स को एक तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। इट इज देयरफॉर नेसेसरी फॉर अ स्टूडेंट टू ऑफ इनकम टैक्स टू कीप हिमसेल्फ अप टू डेट विद द लेटेस्ट प्रोविजंस, है ना। तो जो भी नए प्रोविजंस है उसके तहत आपको खुद को अप टू डेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग अ टैक्स स्टूडेंट। द बेस्ट वे टू डू दिस रेगुलरली रीड वेरियस टैक्स जर्नल्स एंड अदर टैक्स पब्लिकेशंस। और ये काम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट टैक्स जो जर्नल्स होते हैं उनको आप पढ़ सकते हो या फिर जो टैक्स पब्लिकेशंस के थ्रू जो बुक या फिर मैगजीन्स पब्लिश होती हैं आप उनको पढ़ सकते हो। तो मैंने आपको इस वाले लेक्चर में मैंने आपको इनकम टैक्स क्या होता है और इनकम टैक्स की पूरी हिस्ट्री मैंने अभी अभी तक की आपको मैंने बता दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको पक्का शेयर करो ताकि उनको पता चल पाए कि बीकॉम की स्टडी हमारे चैनल पे हो रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। और अगर आपको नोट चाहिए तो आप हमारे से ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो जहाँ पे मैं एक समराइज वे में एक सजेशन आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाओ, ठीक है। साथ ही साथ जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं मैं उन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, तो इन वीडियोस को वॉच कीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो प्रिपरेशन करने में और आपका एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।